नमस्कार, राम राम जी। आज अपन खीरे की रेट की बात करें तो आज 25 से 28 रुपए पर डे मार्केट रेट बढ़ रहा है, तो विशेष ध्यान रखें। कल मेरे पास खूब फ़ोन आए थे कि कोयली हाउस नेट हाउस में विल्ट की समस्या आ रही। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ज़्यादा सल्फर का यूज मत करो, ज़्यादा अगर अकेली सल्फर आप यूज कर रहे हो तो ये समस्या आनी है। कई तो कल ऐसे भी फ़ोन आए हैं जिसमें दो दो तीन तीन हज़ार पौधे एक एक पोलिया उस नेट हाउस से निकल गए। तो अगर जिसके अभी ये प्रॉब्लम नहीं आई है और सल्फर चला दिया है तो उसको मैं एक प्री प्लानिंग में बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, ठीक है, वो आप कीजिएगा जिससे आपके प्लांट में विल्ट ना आए। तो सबसे बेस्ट जो ये है कि एक तो हेमर और उसके साथ वोइला। अब टेक्निकल की बात करूं मैं तो एक्समी एजोस्ट्रोबिन प्लस मेन को जेब, किसी भाई के पास ये नहीं मिल रहा है उस एरिया में तो एजोस्ट्रोबिन प्लस मेन को जेब 600 ग्राम का पैकेट है, वो 4000 वर्ग मीटर के लिए सफिशियंट है। और दूसरा है वेलिडामाइसिन, वो आप 500 ml दे सकते हो। उसके तीन चार दिन बाद में ये आप करने के बाद में आपके प्लांट में ना तो अलसी आएगी और ना विल्ट आने की, लेकिन फिर भी ये पूरा 100% पेटेंट इलाज नहीं है। चार दिन बाद में आपको क्या करना है कि रिडोमिल प्लस सीओसी, इसको आपको चार दिन बाद में रिडोमिल आधा किलो और सीओसी आधा किलो चला देना है, इसे आपके प्लांट में विल्ट ना आए। और किसी भाई को अगर ये कि मेरे को तो सेम कंटेंट्स वाले चाहिए तो मेरे को आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको दुकानदार के नंबर दे दूंगा, वो आपको जो भी आपका एड्रेस रहेगा वहाँ ये प्रोडक्ट पहुँचा देगा अच्छी क्वालिटी का। तो इस विशेष ध्यान रखें, जिस भाई ने ये नहीं चलाया है वो बिल्कुल चलाएं, रेट दिन दिन रेट बढ़ रहा है। कल लगभग लास्ट के 10 दिन में देखूं तो इसमें लगभग 10-12 रुपए बढ़ गए पर डे रेट बढ़ रहा है। तो उस बात का विशेष ध्यान रखें, प्लांट सेफ रहेगा तो आपको अच्छी इनकम देके जाएगा प्लांट, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले ये कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े, तो वो फर्टिगेशन अपन रूटीन में करेंगे, वो मैं कल बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाइयों को भी भेजिए, इसे अधिक से अधिक लाभ ले सकें।